नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज भागवन क्लास 9 का पाठ एक कुत्ता और एक मैना का मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को पशु पक्षी के प्रति कितना प्रेम की भावना थी और वे किस तरह से पशु पक्षी के प्रति भी अपने मन में प्रेम की भावना रखते थे। आगे इस पाठ में दिखाया जा रहा है कि एक बार रविंद्रनाथ टैगोर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण उन्हें शांति निकेतन छोड़कर अपने पुराने 3 मंजिले मकान में रहने का विचार आया। किसी तरह उन्हें ऊपर ले जाया गया क्योंकि दर्शनार्थी बहुत सारे आते थे। उनसे मिलने के लिए इतने सारे दर्शनार्थी आते थे कि उन्हें कभी भी आराम करने का वक्त नहीं मिलता था। और एक बार जब लेखक वहाँ पहुँचते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनसे बोलते हैं कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या, मतलब वे कुछ डरे डरे से रहते थे क्योंकि उन्हें कभी भी आराम करने का वक्त नहीं मिलता था। आगे लेखक बता रहे हैं कि जब लेखक गुरुदेव से मिलने पहुंचा तो वे अस्त होते हुए सूर्य को एक टक देख रहे थे। तभी एक कुत्ता धीरे धीरे उसके पास ऊपर आया और पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी गर्दन पर स्नेह से हाथ फेरा। कुत्ते का रोम रोम स्नेह से मग्न हो गया। वह लेखक से बोला, देखा, यह न मालूम कैसे यहाँ पहुंच आया है, इसके चेहरे पर कितनी तृप्ति है। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी लेखक को समझा रहे हैं कि देखो यह कितना खुश है यहाँ पर और इसको कैसे मालूम पड़ गया कि यहाँ पर मैं आ गया हूँ। इसी कुत्ते को लक्ष्य में रखकर उन्होंने आरोग्य में एक कविता लिखी थी। उसमें गुरुदेव ने लिखा था कि यह कुत्ता मेरा स्पर्श पाकर आनंद से उमंगित हो उठता है। इस मूक प्राणी में मनुष्य की मनुष्यता को पहचानने की शक्ति है। यह मनुष्य की चेतना को, उसके आनंद को, उसके प्राणों को अनुभव कर सकता है। इसके सारे व्यवहार में दीनता और आत्मनिवेदन का भाव है। इसकी करुणा दृष्टि समझती तो सब कुछ है लेकिन उसे समझा नहीं पाती है, परंतु इससे देखकर मैं सच्ची मनुष्यता को समझ पाता हूँ। लेखक यह दृश्य देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गए कि एक कुत्ते में भी रविंद्रनाथ टैगोर मानव सत्य को देख लिया था। तब से लेखक को कुत्ते की वह घटना विश्व की महिमाशाली घटनाओं में से एक प्रतीत होती है। आश्चर्य की बात यह है कि जब रविंद्रनाथ का चिताभस्म आश्रम में ले गया तो वह कुत्ता भी आश्रम वासियों के साथ उत्तरायण तक रहा। वह चिताभस्म के पास थोड़ी देर तक बैठा रहा। यानी इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि पशु पक्षी भी के अंदर भी वह भावना होती है जिससे वे सारे दुख और सुख को अनुभव कर सकते हैं, प्यार की भावना को वह समझ सकते हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि एक दिन शांति निकेतन के बगीचे में सुबह सुबह गुरुदेव के साथ जब लेखक टहल रहे थे तो वहां पर दिखाई दिया कि एक भी कौवा नहीं था। तभी उन्हें समझ में आ गया कि कौवा भी प्रवासी पक्षी होता है। कभी कभी वे लोग भी अपना जगह बदल कर दूसरे जगह चले जाते हैं, या तो खाना पानी के लिए या वे लोग वहाँ चले जाते हैं। आगे बता रहे हैं कि एक बार लेखक सवेरे सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। सामने एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, यह युद्धभ्रष्ट है, रोज फुदकती है, इसकी चाल में करुणा भाव है। लेखक को भी उसमें करुणा दिखने लगी। यानी इस पाठ में यह दिखाया गया है कि लेखक को यह सब समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जब वे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पास पहुंचते हैं तो उनके पास रहने से उन्हें भी यह महसूस होता है कि पशु पक्षी में भी प्यार की भाषा समझने की शक्ति होती है। लेखक के मकान के दीवारों पर कुछ सुरागे हैं जिनमें एक मैना दंपति अपना घोंसला बना लेता है। पता नहीं वे कहां से चीथरे, गोबर के टुकड़े आदि एकत्र कर लेते हैं। एक बार लेखक ने ईंट रखकर सुरागों को बंद भी कर दिया परंतु फिर भी वे बची हुई सुराग में बसेरा बना देते हैं। लेखक को लगता है कि वे प्रसन्नता से नाचते हैं, गाते हैं और उन्हें देखकर लापरवाही से टिप्पणियां भी करते हैं। मैना दंपति लेखक के परिवार को फालतू समझता है। मैना पत्नी तो कहती है कि इन्हें हमारे प्राइवेट घर में नहीं आना चाहिए था। आगे लेखक बता रहे हैं कि लेखक को मैना की करुण दृष्टि पर विश्वास नहीं था परंतु गुरुदेव की बातें सुनकर उसे विश्वास हो गया। उसे लगा कि मैना अपने साथी से बिछड़ी हुई है तथा वियोगिनी है। गुरुदेव ने उस पर एक कविता लिखी है। उसका आशय यह है, मैना अपने दल से अलग क्यों है, वह अकेला लंगड़ा रही है, यह रोज कीड़ों का शिकार करती रहती है, लेखक से नहीं डरती, न जाने यह अपने समाज से अलग थलग क्यों हो गई है। अन्य मैनाएं तो नाचती है, कूदती है, पर इसे क्यों नहीं शौक है कोई भी चीज करने का। इसके जीवन में कौन सी ऐसी गांठ पड़ गई है, इसे कौन सी ऐसी दुख आ गई है। न इसका किसी पर कोई अभियोग है, न इसकी चाल में वैराग्य भाव है, न आंखों में जलन है। इस कविता को पढ़कर लेखक के सामने मैना की करुण मूर्ति साकार हो उठती है। लेखक हैरान हो जाते हैं
कि कवि किस प्रकार मैना के मर्म स्थल तक भी पहुंच गया, उसी शाम मैना उड़ गई। कवि को उसका गायब होना बहुत ही करुण लगा। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर के मन में पशु पक्षी के लिए भी कितना प्रेम की भावना उमड़ती थी। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए नए नए पाठ बनाती रहूँगी, ताकि आप लोगों को पाठ समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और सारा पाठ समझने में आसान हो जाएगा। आगे फिर मिलूंगी मैं। धन्यवाद।